डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मेडिकल में एडमिशन करवाना पेरेंट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों ना हो, 36 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। हर स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग की डेट्स होती हैं और वहाँ पर फॉर्म भरने के प्रोसीजर डिफरेंट हैं। उसके अलावा वहाँ पर कट ऑफ का ट्रैक रखवाना, ये अपने में बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाती है पेरेंट्स के लिए। तो MCMF ने एक बहुत अनूठी पहल की है। हमने एक क्लब लॉन्च किया जिसका नाम है मेडिकल काउंसलिंग क्लब। मेडिकल काउंसलिंग क्लब का जब आप मेंबर बनते हैं तो हमारी MCMF की जो टीम है वो आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो काउंसलिंग की डेट्स आने वाली हैं उनके बारे में बताते हैं। वहाँ पर फॉर्म कैसे भरा जाना है, क्योंकि फॉर्म भरना अपने में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फॉर्म कैसे भरा जाना है वो बताएंगे। फिर एक कस्टमाइज्ड आपको एक प्लान बना के देते हैं कि आपकी जो नीट की रैंकिंग है उस नीट की रैंकिंग के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको सूट करेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। एक हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने देखा है कि कई बार बच्चों की जो नीट की रैंकिंग की बहुत अच्छी स्कोर होता है, लेकिन बावजूद उसके उनको जो वो अपने से कम रैंकिंग वाले जो स्कोर कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले लेते हैं और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर MCC क्लब ज्वाइन करने के बाद हम आपको इन सारी चीज़ों में मदद करते हैं और ताकि आप सही कॉलेज को जिसको आप डिज़र्व करते हैं उसमें आप एडमिशन लें। दूसरा, हमने एक चीज़ और भी नोट किया कि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस की कमी रहती है। अवेयरनेस की कमी कैसे भी रहती है कि पिछले साल की जो फॉर्मेलिटीज़ है, पिछले साल जो चीज़ चल रही थी वो उसी के हिसाब से चल रहा होता है, जबकि क्या होता है इस साल फॉर्मेलिटीज़ बदल जाती हैं, कुछ रूल्स बदल जाते हैं, कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस का ट्रैक रखवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए एक सीरीज़ के साथ आ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम हर स्टेट के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, उनमें क्या फीस है, उनमें क्या सीट्स है, इसको कवर करेंगे। इस सीरीज़ का नाम है इंडियन स्टेट्स मेडिकल कॉलेजेस फीस एंड सीट्स। आज की सीरीज में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि जैसे कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर 3074 स्टेट्स हैं और इतने ही नंबर के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर 3300 सीट्स हैं। अब देखते हैं कि हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ पर कितनी सीट्स हैं और वहाँ पर ऑल इंडिया कोटे की फ़ीस कितनी है और स्टेट की फ़ीस कितनी है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि सबसे पहले है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जहाँ पर 100 सीटें हैं, 42,000 AIQ की फ़ीस है और स्टेट की फ़ीस है 16,000 रुपये। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ जहाँ पर 150 सीटें हैं, 18,000 AIQ की फ़ीस है और 18,000 ही आपकी स्टेट की फ़ीस है। इसी तरह आपकी जो बाकी स्क्रीन पे जो कॉलेज के नाम और आप स्टेट की फ़ीस और AIQ की फ़ीस आप देख रहे हैं, सीट्स के साथ देख रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझते हुए कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, वहाँ पर आपके लिए जा पाना पॉसिबल होगा कि नहीं हो पाएगा, उनकी रैंकिंग क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, इस सबकी मदद आपको हमारे MCC क्लब के से ज़रूर मिलेगी। तो अब हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगले कॉलेजेस की एक लिस्ट को हम चेक करते हैं कि और कौन कौन से कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। दूसरी लिस्ट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा जहाँ पर 150 सीटें हैं, 36,000 रुपये AIQ की फ़ीस है और स्टेट की फ़ीस है 18,000 रुपये। इसी तरह इस लिस्ट में जब आप नीचे देखेंगे सारे कॉलेजेस जैसे SVS मौलाना मसूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, GMC सहारनपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच, यहाँ पर सब तकरीबन हर कॉलेज के अंदर 150 सीटें हैं, 36,000 AIQ की फ़ीस है और 18,000 जो है वो स्टेट की फीस है। तो आखिर के जो लास्ट के जो तीन मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर जैसे फैज़ाबाद में, कासना में, अयोध्या में जहाँ पर 100 सीटें हैं, 36,000 एक की फ़ीस है, 18,000 स्टेट की फ़ीस है, 42,000 AIQ की और 18,000 स्टेट की। तो इस तरह ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर और जिनकी अलग अलग फ़ीस हैं और अलग अलग जो आपने देखा कि अलग अलग AIQ की फ़ीस है और अलग अलग स्टेट की फ़ीस है। और अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की कि उत्तर प्रदेश में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनकी वहाँ पर फ़ीस क्या है और वहाँ पर जो सीट्स हैं वो कितनी हैं। जैसा कि आप स्लाइड में स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली 100 सीटें जहाँ पर फीस है तकरीबन 11,44,000 रुपये। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ जहाँ पर 100 सीटें हैं, 8.5 लाख रुपये की फ़ीस है। इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ 150 सीटें हैं और 16,60,000 फ़ीस है। तो ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर बड़े सारे प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है जहाँ पर डिफरेंट फीसेज़ हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगा जो मैंने स्टेट के जो गवर्नमेंट के कॉलेज के टाइम पर कही थी कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी प्रेफरेंसेस हैं, रैंकिंग्स हैं कि कौन से कॉलेज में को आपको पहले चुनना चाहिए या कौन से कॉलेज में रैंकिंग या कट ऑफ किया जाती है उसको चुनना चाहिए। तो आप हमारे MCC क्लब का मेंबर बनिए ताकि हम आपको ये एक पर्सनल सर्विस आपको हम दे सकें। अब हम बात करते हैं अगली लिस्ट की। तो अगली लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है सामने, जैसे सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ के अंदर 150 सीटें हैं और 11,05,000 रुपये फीस है। तीर्थांकर महावीर मेडिकल कॉलेज जहाँ पर 150 हैं सीटें हैं और 16,20,000 फीस है। तो ये जो सेकंड स्लाइड में भी आप जो कॉलेजेस देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हर यूपी के ही कॉलेजेस हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशन पर हैं। कोई बरेली में है, कोई आगरा में है, कोई कासना में है, कोई हापुड़ में है और सबकी फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। और अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम कॉलेजेस के फाइनल जो यूपी के और कॉलेजेस हैं जिनको हम देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कृष्णा मेडिकल कॉलेज ये मथुरा के अंदर है, यहाँ पर 150 सीटें और 8.5 लाख रुपये की फ़ीस है। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ जहाँ पर 100 सीटें हैं, 14 लाख की फ़ीस है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उन्नाव जहाँ पर 150 सीटें हैं, 10,55,000 रुपये फ़ीस है। यहाँ पर भी जो मैं अभी बात कर रहा था, दोहराऊंगा इस बात को कि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, सबके अंदर सीटें डिफरेंट हैं, सबकी कट ऑफ डिफरेंट जाती है और सबकी फीसेस जो हैं बहुत डिफरेंट है, इनकी रैंकिंग बहुत डिफरेंट है। इन सबको के बारे में समझने के लिए आप हमारी MCC क्लब को ज्वाइन करके हमारे से और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, आपको और किस स्टेट के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस स्टेट के बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में वीडियो तैयार करेंगे। वैसे तो हमारी आने वाली सीरीज़ में हम हर स्टेट को कवर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।